हेलो बच्चों, आज हम लोग एक शिक्षाप्रद कहानी पढ़ेंगे, शंका का समाधान। तो आइए पढ़ते हैं कहानी को। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी गांव से होते हुए जा रहे थे। उनके शिष्यों ने कहा, प्रभु यदि आप अनुमति दें तो थोड़ा विश्राम कर लिया जाए, इसके बाद पुनः प्रस्थान करेंगे। बुद्ध ने अपने शिष्यों की बात मान ली और उन्हें उस गांव में विश्राम करने की अनुमति दे दी। गांव वालों को बहुत ही प्रसन्नता हुई। सभी चाहते थे कि भगवान बुद्ध उनके यहाँ भोजन करके उन्हें कृतार्थ करें। बुद्ध के दर्शन करने एक स्त्री भी आई थी, जो भीड़ में सबसे पीछे कुछ सहमी सी खड़ी थी। गांव वाले उससे घृणा करते थे, क्योंकि उनके अनुसार उस स्त्री का चरित्र ठीक नहीं था। भगवान बुद्ध की निगाह उस स्त्री पर पड़ी और बोले, मैं आपके यहाँ भोजन करूँगा। उस महिला ने जब यह सुना तो उसके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगा। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसे भी कभी भगवान बुद्ध का अतिथि सत्कार करने का सुअवसर प्राप्त होगा। गांव वाले तो तरह तरह की बातें कर रहे थे। भगवान बुद्ध ने उस स्त्री के यहाँ भोजन किया और उसे एक आम देकर बोले, इसे संभाल कर रखना, लौटते समय मैं इसे वापस ले जाऊँगा। जब बुद्ध उस गांव से चलने लगे तो लोगों से रहा ना गया। एक व्यक्ति ने पूछ ही लिया, प्रभु जाने से पहले हमारी एक शंका का समाधान कर दीजिए, आपने हम सबके यहाँ भोजन करने के अतिरिक्त एक दुष्चरित स्त्री के यहाँ भोजन किया, इसका क्या रहस्य है? स्वामी, बुद्ध मुस्कराए और बोले, मैं लौटते समय इसी गांव से होता हुआ जाऊंगा, तब मैं आपकी शंका का समाधान अवश्य करूंगा। कुछ महीनों के बाद लौटते समय बुद्ध उसी गांव में फिर आए। सायंकाल चौपाल में लोग एकत्रित हुए। बुद्ध ने उस स्त्री को बुलवाया और उनका आम भी लाने को कहा। थोड़ी देर में वह स्त्री आम लेकर उपस्थित हुई। उसने लज्जा के मारे मुंह पर साड़ी का पल्ला ढका हुआ था। बुद्ध ने वह आम उससे ले लिया और एक शिष्य को उसे तोड़ने को कहा। 3-4 महीनों में वह बाहर से सूख चुका था। तोड़ने पर उन्होंने उसकी गुठली निकाली और गांव वालों को दिखाते हुए कहा, देखो मैंने यह आम इस महिला को दिया था। 3-4 महीनों में इसका वाह रूप खराब हो गया, परंतु भीतर की गुठली ठीक ठाक है। इसी प्रकार यह मानना चाहिए कि यदि किसी का वाह शरीर दोषी हो गया है तो भी किसी की आत्मा अपवित्र नहीं होती। आत्मा पर किसी भी प्रकार की बुराई अथवा पाप का प्रभाव नहीं पड़ता। इसी कारण मैंने उस दिन इस महिला के घर भोजन करना स्वीकार किया था। बच्चों, तुम सदैव याद रखो, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। बड़े से बड़ा पापी भी स्नेह, सहानुभूति, उदारता, दया, सौहार्द से अच्छाई के मार्ग पर लाया जा सकता है। ये कहानी बस इतना ही है। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।